हाँ जी नहीं नहीं मेरा एजम्पशन तो है कि फिल्म अच्छी ही होगी 101%, बिकॉज एक तो टाइटल जो है ना इसका, कहाँ है टाइटल, ये देखो ये जो टाइटल है ना ये एक अलग सा टाइटल है, bhkbhalla@halla.com, ये बहुत अलग सा टाइटल है, आदमी को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या होगा bhalla@halla.com, मतलब भल्ला कोई होगा जो हल्ला करेगा और कुछ ना कुछ करेगा कुछ ना कुछ, और उसमें एक्टर मनोज पावा 100% भल्ला बने होंगे, तो कमाल होना ही है। मनोज पावा इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, प्रोड्यूसर हमारे बहुत मजबूत हैं, तो हमारे दोस्त भी हैं, पहचान भी हमारी उनके साथ में, तो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ही होगा, मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है बट देखने की अंदर से इच्छा बहुत रखता हूँ, और अंदर से कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सब पिक्चर में काम भी करना चाहिए, अच्छी पिक्चर है। क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? अभी मेरी लास्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी चौक एंड डस्टर, उससे पहले मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी वेलकम बैक, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं देख पा रहे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वक्त आने पर ज़रूर करेंगे। क्या होता है कि हर एक्टर का, हर प्रोड्यूसर का, हर डायरेक्टर का एक दौर होता है, वो दौर जब आता है ना तो उस दौर पे उसका काम जो है बहुत चलता है, बहुत कुछ होता है, काफ़ी झंडे गाड़ देते हैं, लेकिन एक दौर फिर ऐसा आता है कि उसका दौर ख़त्म होता है, दूसरों का दौर शुरू होता है, तो फिलहाल वो दौर शुरू हुआ है, जब मेरा दौर नहीं आएगा, मेरा दौर वापस शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता अब शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता और फिल्में कर रहा हूँ मैं। दो हज़ार पंद्रह का तो नहीं पता, लेकिन मेरी एयरलिफ्ट अभी जो रिलीज़ हुई है सबसे फेवरेट फिल्म रही है, बहुत ही बढ़िया, हाँ ऑफकोर्स बाजीराव मस्तानी, फैंटास्टिक मूवी, ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसी मेकिंग, ऐसी फिल्में और बननी चाहिए मेरे ख्याल से, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिएटिविटी पे एक रोक आ गई है सर्टन बिजनेस के चक्कर में कि नहीं बिज़नेस करना बिज़नेस करना, इसमें बिज़नेस क्या, कौन एक्टर है, कैसे पैसे कमाएंगे, वो क्रिएटिविटी उससे ख़त्म हो गई, जिसके चक्कर में पब्लिक ने थिएटर में जाना बंद कर दिया, क्या मज़ा आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है हमको, उससे तो हम टीवी सीरियल देख लेंगे, टीवी सीरियल में हमको देखने मिलता है जो चाहिए वो, इसके चक्कर में फिल्म मर रही है, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, वो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, वही जो कॉरपोरेट का ज़माना थोड़ा सा कम होता जा रहा है और सिंगल प्रोड्यूसर का ज़माना फिर से आता जा रहा है, तो फिर से क्रिएटिविटी आएगी, फिर से सब माल सर क्रांति आएगी भी नहीं अगले कम से कम 25 से 30 साल तक तो नहीं आएगी क्रांति। हमारे जो नए डायरेक्टर्स आए हैं उन्होंने काफ़ी चेंजेस करने के लिए, मॉडर्नाइज करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन क्रांति इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आज हमारे देश में 120 करोड़ लोग हैं, उसमें से गिने चुने 15 करोड़ होंगे या 10 करोड़ होंगे जो एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, जिनको समझदारी वाली फिल्में देखनी है, मतलब सेंसिबल फिल्में देखनी है, वरना जो बाकी के लोग हैं वो तो मस्ती ये सब देखना चाहते हैं, उनको कहाँ, उनको टाइम पास चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के जीवन में तकलीफ़ें बहुत हैं, पर्सनल लाइफ में, काम के मामले में, भूखमरे के मामले में, मतलब जिस चक्कर में आप देखो तकलीफ़ें बहुत हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो हम उसी चीज़ को पेश करते हैं, एंटरटेनमेंट को, उनको उनको कैटर करना है पब्लिक, तो वो चीज़ बदलने में वक्त लगेगा, उनको एजुकेट होना पड़ेगा, इतने लोगों को, वो एजुकेट होंगे डेफिनेटली हम भी एजुकेट करेंगे उनको और ज़्यादा। नहीं, मैं विश ये करना चाहूँगा कि ऐसी फिल्में चलनी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए और ऐसे लोगों को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि ऐसी फिल्में बने जिससे कि प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो, डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा हो और पब्लिक को मज़ा आए। यस, थैंक यू सो मच।